हाय फ्रेंड्स, सब बढ़िया। तो आज मैं बात करूँगा ओपीडी का क्या इम्पोर्टेंस है रेसिडेंट का लाइफ में। जैसे कि आपको पता है कि मैं न्यूरो सर्जरी रेसिडेंसी कर रहा हूँ, तो इस बार में कोई इतना बात नहीं करता है कि ओपीडी में हम क्या करते हैं, वाई ओपीडी इज़ इम्पोर्टेंट। सबको पता है कि हम जो है हम इमरजेंसी में पेशेंट देखते हैं, ट्रॉमा पेशेंट देखते हैं, स्ट्रोक पेशेंट देखते हैं, ओटी रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, वार्ड में पेशेंट्स रहते हैं। लेकिन ओपीडी का क्या रोल है, ओपीडी में रेसिडेंट का क्या काम होते हैं? ठीक है, ओपीडी में बड़े बड़े डॉक्टर लोग शायद पेशेंट देखते होंगे, तो रेसिडेंट का काम क्या होता है? देखिए, ये वीडियो जो है उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो मेडिकल स्टूडेंट है, मेडिकल एस्पिरेंट है और न्यूरोसर्जन बनना चाहते हैं, या तो कोई भी रेसिडेंसी, सर्जिकल रेसिडेंसी करना चाहते हैं। आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिए। रेसिडेंसी, सर्जिकल रेसिडेंसी का मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटा, मतलब 24 घंटे नहीं, आप हॉस्पिटल में जितना घंटे रहे हैं, अगर 10 घंटे रहे हैं, अगर 5 घंटे रहे हैं, अगर 7 घंटे रहे हैं, तो पूरा पूरा मैं सर्जरी करके घर चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देर इज समथिंग कॉल्ड डिसीशन। डिसीशन मेकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंसिशन। मतलब जो आपका सर्जरी किसको करना है उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसको सर्जरी नहीं करना है, क्या सर्जरी नहीं करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो सारे चीज़ जो है डिसाइड होते हैं ओपीडी में, क्योंकि जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, बहुत तरह तरह का पेशेंट आते हैं, बहुत जगहों से पेशेंट आते हैं। ठीक है, तो आप पेशेंट को देखते हैं, पहले हिस्ट्री पूछते हैं कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अच्छे से बोलो। कि बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे भी आते हैं कि हाँ भाई, MRI दिखा दिया डायरेक्टली, मेरा ये प्रॉब्लम है सर। मैंने एक वीडियो भी बनाया था पहले, तो ऐसा हम लोग को बोलना पड़ता है अपना प्रॉब्लम के बारे में, ठीक से डिटेल में आपको बोले। और उसके बाद जो है हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो आपका हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन से आप एक सोचते हैं शायद ये डायग्नोसिस हो सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शायद मेडिकल ब्रांचेज जो रेसिडेंट्स है, वो जो डॉक्टर्स है, वो ऐसा हर दिन करते होंगे ओपीडी में। सर्जरी के लिए, स्पेशली न्यूरो सर्जरी के लिए ओपीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलाइक अदर सर्जिकल ब्रांचेस। तो आप क्या होते हैं कि डायग्नोस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अगर लीजन है तो कहाँ पे लीजन है, आप सोचते हैं, उसके बाद आप सीटी स्कैन देखते हैं, MRI देखते हैं, उसके बाद आप प्लान करते हैं, ठीक है उसको सर्जरी चाहिए, कितना जल्दी सर्जरी चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऐसा बोलेंगे कोई भी पेशेंट बॉडी को, आपका ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपका स्पाइन में प्रॉब्लम है, लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि मुझे ब्रेन का सर्जरी, स्पाइन का सर्जरी, नर्व का सर्जरी चाहिए। तो मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन लोग जो पूछते हैं, कितना जल्दी चाहिए सर, हाउ अर्जेंटली शुड आई डू दिस सर्जरी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जल्दी चाहिए, और उसके लिए क्या रिस्क बेनिफिट हो सकता है, सर्जरी करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या तो सर्जरी ना करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरो सर्जरी में। तो ये सब आप ओपीडी में ही देखते हैं। और एक चीज़ जो मैं बोलूँगा, मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी मैं 4th ईयर में हूँ, जैसे जैसे कि हमारा ओपीडी बहुत रेगुलरली स्टार्ट होता है, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में बहुत रेगुलरली रहते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट ऐसा आते हैं कि ऐसा हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट आते हैं तो हमको पहले पेशेंट देखना होता है, तो पेशेंट हम देखते हैं कि ओपीडी में, ठीक है, हिस्ट्री लिख दिया, एग्जामिनेशन लिख दिया, MRI सीटी स्कैन फाइंडिंग लिख दिया, हमको पता ही नहीं होता है, पहली बार देख रहा हूँ शायद ऐसा टाइप का ट्यूमर, ऐसा टाइप का ब्रेन का अंदर सीस्ट, ऐसा टाइप का स्पाइन का कंडीशन, मुझे हमको पता नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसको कंडीशन को सर्च करते हैं इंटरनेट में, ऐसे रिलायबल साइट में, और क्या किसी ऑनलाइन किताब में, उसको उसके बारे में हम थोड़ा जल्दी से जल्दी 5-10 मिनट में पढ़ाई कर लेते हैं। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा टाइप का है तो ऐसा मुझे देखना चाहिए, क्योंकि कंसल्टेंट आके पूछ सकता है क्या तुमने देखा, मैंने ओपीडी शीट में ऐसा कुछ इरिलेवेंट चीज़ नहीं मुझे लिखना है कि फालतू का लिख दिया ऐसा। ओपीडी शीट में क्या होता है कि मेरे पास 10-15 पेजेस नहीं होते, मेरे पास एक पेज रहते हैं, उसमें इरिलेवेंट हिस्ट्री, रिलेवेंट एग्जामिनेशन मेनली, और MRI सीटी स्कैन का फाइंडिंग, एंड जो इम्पोर्टेंट लैब इन्वेस्टिगेशन से, ये 4 चीज़ बहुत अच्छी तरह से लिखना है। और एक बात जो है, अगर कोई पेशेंट का डायबिटीज, हाइपरटेंशन है, कोई कोमोर्बिडिटी है, सब मिला के एज ए होल पेशेंट को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास किसी के पास कोई पेशेंट आ गया जिसको सर्जरी करना है, लेकिन उसका देखा गया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन शुगर शुगर 300-400 है, तो उनको क्या चाहिए, फर्दर रिवोल्यूशन चाहिए शुगर के लिए। एडमिशन से पहले उसका क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि शुगर कंट्रोल में रहे, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, तो एज ए होल पेशेंट को देखना होता है और उसके ऊपर बेस करके डिसीजन लेना होता है। पेशेंट जो फिट होता है सर्जरी के लिए, हम इसके लिए एक एनेस्थेशिया चेकअप भी करवाते हैं। जब सब कुछ रेडी होता है उसी वक्त हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एडमिशन कर लीजिए, सब कुछ पैसे वैसे का मामला सब कुछ ठीक ठाक है, तो एडमिशन हो जाता है पेशेंट, उसके बाद जो है सर्जरी होता है। जो बाद में बोलने वाला हूँ, ओपीडी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ओपीडी में पेशेंट देखना एक रेजिडेंट को वो सिखाता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी देखना कैसे होता है, अच्छे से पेशेंट बॉडी के साथ कम्युनिकेट कैसे करना होता है, रिस्क बेनिफिट कैसे बोलना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस पेशेंट को कब सर्जरी करना है, किसको नहीं करना है। ये धीरे धीरे आता है, हमें भी ऐसा अभी अभी भी चल रहा है, कुछ स्टेप तक मैं पहुंचा हूं, मेरा कोलीग्स पहुंचे हैं, तो ये एक मतलब ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा, वो धीरे धीरे स्टेप वाइज वो लोग सीखते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब एक ही है कि जो कोई भी रेसिडेंसी करना चाहते हैं, ये बैठ के ये बात आप लेके बैठ मत जाइए कि मुझे बस सर्जरी ही करना है, ऑपरेट ही करना है। आपको पेशेंट को एज ए होल देखना है, उसके ऊपर सोचना है, उसके ऊपर आपको बैठ के पढ़ाई करना है, उसके बाद ही आप वो मतलब नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। सर्जरी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पेशेंट को देखना है, सोचना है, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ करना है, तो एज ए होल एक सिस्टम को रन करना है। तो आज मेरा ओपीडी डे था, मैं सुबह से जब राउंड्स हुआ, राउंड्स के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सीधा ओपीडी में आया। ओपीडी थोड़ा बिजी था, कंटिन्यूसली पेशेंट्स आ रहे थे, तो जल्दी से जल्दी मतलब हर एक पेशेंट को मान लीजिए कि 15 मिनट 20 मिनट भी अगर दे दूँ तो मुझे अच्छा खासा सा हिस्ट्री एग्जामिनेशन, स्कैन फाइंडिंग्स और एक थॉट प्रोसेस जो है मुझे आ सकता है। तो वो था, जल्दी से जल्दी पेशेंट देख के रेडी रखा था कि बाकी उसका नेक्स्ट स्टेप हो सके। तो अभी स्टेप क्या है, जो दो तीन केस ऐसे थे जो इंटरेस्टिंग है, या तो मुझे उस केसेस के बारे में पता है लेकिन इतना डिटेल में पता नहीं है, तो मैं घर जाऊँगा, घर जाके उसके बारे में थोड़ा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उसके बारे में पढ़ाई कर लूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूँगा, थोड़ा बहुत नोट्स भी बना लूँगा उसके ऊपर, जो अगर नेक्स्ट ऐसा बार कोई पेशेंट ऐसे टाइप का कोई पेशेंट आया तो मेरा दिमाग में वो चीज़ आ सके जल्द से जल्द कि अच्छा ठीक है मुझे वो भी करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, बहुत लोगों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना, लाल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।